हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एनवायरनमेंट का पार्ट 12 करने वाले हैं कवर, जिसमें पर्यावरण प्रदूषण के सभी प्रकार के ऐसे एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे जो पिछली सभी टीटी में बार बार पूछे गए हैं। बिल्कुल बेसिक और डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे हम सारे क्वेश्चनों को, तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। जो भी दोस्त नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये है। निम्नलिखित में परावैगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? ऑप्शन देखिए यूवीए, यूवीबी, यूवीसी और यूवीडी। तो हमको ये बताना है कि ये परावैगनी किरणें, इनमें सबसे खतरनाक डेंजर किरण कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों यूवीसी। अब देखिए, परावैगनी किरणों को तीन वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। तो वो तीन वर्ग कौन कौन से? एक यूवीए है, यूवीबी है और यूवीसी है। तो यूवीसी जो है वो सबसे खतरनाक है, लेकिन ये किरणें जो है वो पृथ्वी के धरातल पे पहुंचती नहीं है, क्योंकि इनका अवशोषण जो है ओजोन परत द्वारा कर लिया जाता है, ठीक है। और वहीं बात करें यूवीए और यूवीबी की, तो ये किरण जो है ओजोन परत को छेदते हुए जो है धरती पर आती है, और ये जीवधारियों पर इसके अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं, यानी कि ये भी खतरनाक है। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक पूछेगा तो यूवीसी है, लेकिन ये धरती पे आ नहीं पाती है, ठीक है, क्योंकि इनका पूर्ण अवशोषण हो जाता है। अब देखिए, इसका क्या प्रभाव पड़ता है यूवीए और यूवीबी का? तो देखिए, ये जो है जीवधारियों पर अलग अलग प्रभाव डालती है, जैसे जेनेटिक परिवर्तन हो जाता है, त्वचा में कैंसर हो जाता है, इम्यून सिस्टम कम हो जाता है, प्रतिरक्षा कम हो जाता है, ठीक है, पौधों की वृद्धि दर में रुकावट पैदा करता है, मोतियाबिंद का कारण तो ये होता है। तो ध्यान में रखिएगा इससे किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। परावैगनी किरणें कितने प्रकार की? तीन वर्गों में बांटा है, यूवीए, बी, सी। सबसे खतरनाक कौन सी होगी? यूवीसी, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। निम्न में से किस राज्य में आर्सेनिक के कारण जल प्रदूषण सबसे अधिक है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है। अब देखिए, भारत के ऐसे 7 राज्य हैं जहाँ के जल में आर्सेनिक पाया जाता है, वो राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए, यहाँ पे पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर और छत्तीसगढ़। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो पश्चिम बंगाल में। अब इसका पता हमें कब पता चला? तो ये 1983 में एक सर्वेक्षण किया गया था। तो यहाँ पे इस सर्वेक्षण में क्या किया गया कि जल के मानक स्तर में जो पाई गई मात्रा आर्सेनिक की थी वो सबसे ज़्यादा थी। तो इस सर्वेक्षण के कारण ही पश्चिम बंगाल वह पहला राज्य बन गया जहाँ पे आर्सेनिक के कारण जल प्रदूषण सबसे अधिक है, ठीक है। अब आर्सेनिक के कारण होने वाली बीमारी का नाम क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उस बीमारी को कहते हैं ब्लैक फुट नामक बीमारी। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें नहीं हैं? ऑप्शन देखिए, ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी हीलियम और डी मीथेन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, हीलियम। हीलियम क्या है? हीलियम एक निष्क्रिय गैस है, यानी कि नोबल गैस है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और मीथेन ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैसें देखिए यहाँ पे कौन कौन सी होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो देखिए दोस्तों, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ईंधन के जलने, यानी कि कोयला, तेल, पेट्रोलियम के जलने और जंगलों में लगी आग से पैदा होती है। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड ये कहाँ से? ये खेतों और ईंधन के जलने पे ये भी निकलती है, ठीक है। मीथेन जो होती है वो पशुओं के मुंह से निकलती है, गाय गाय और भैंस के गोबर वगैरह से मीथेन गैस का उत्पादन होता है, ठीक है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ये क्या होता है? तो औद्योगिक क्रियाएं जो होती हैं उनमें जो अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, तो उसी के ताप से ये गैस निकलती है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। और फ्लोरो पर फ्लोरोकार्बन ये एल्यूमिनियम और इलेक्ट्रॉनिक पदार्थों जो होते हैं उनसे निकलने वाले ये गैस होती है, ठीक है। और सल्फर हेक्साफ्लोराइड ये गंधयुक्त ईंधन का दहन जो होता है और अम्लीय वर्षा का कारण होता है, इसी के कारण तो ये वो गैस कहलाती है। ये सभी गैसें कौन सी है? ये ग्रीन हाउस इफेक्टेड गैसेज हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। और जो हीलियम है वो क्या है? नोबल गैस है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? हीलियम होगा। और ग्रीन हाउस गैसें किसे कहते हैं? तो ग्रीन हाउस गैसें वह गैसें होती हैं जो पृथ्वी के वातावरण या जलवायु को परिवर्तन करके उसका भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए, यानी कि उसका ताप बढ़ा देती है, तो वो गैसें कहलाती हैं क्या? ग्रीन हाउस गैसें। तो आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? ऑप्शन देखिए, जूल,
डेसीबल, न्यूटन और नैनो इकाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि ध्वनि प्रदूषण का मापन किसके द्वारा किया जाता है, डेसीबल यूनिट के द्वारा किया जाता है। अब देखिए समानता जो सुनने वाली ध्वनि है बातचीत के दौरान वो कितनी होती है, तो ये भी पूछा जाता है, तो वो ध्यान रखिएगा 7 डेसीबल जो है ध्वनि वो आदमी जो है आराम से इसको सुन सकता है, ठीक है। अब जो अधिकतम डेसीबल की सीमा है, यानी कि जिसमें श्रवण शक्ति जो है वो सुनाई ना दे, कान बहरे होने के चांसेस रहते हैं, तो वो कितनी होती है, 90 से 120 तक की ध्वनि जो है वो मनुष्य सुन नहीं सकता, इसमें बहरापन होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। सामान्यतः बातचीत के दौरान कितनी ध्वनि उत्पन्न होती है, तो वो 60 डेसीबल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन देखिए 16 सितंबर, 7 दिसंबर, 30 मार्च और 22 अप्रैल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 16 सितंबर। अब देखिए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है क्योंकि ओजोन परत के प्रति जागरूकता और संरक्षण हेतु ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत किसने की, तो यूएनओ द्वारा इसकी शुरुआत की गई रही 19 दिसंबर 1994 को, ध्यान में रखिएगा ये बात। अब ये किसके द्वारा की गई रही, यानी कि यूएनओ के द्वारा। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, एक संधि होती है जिसे क्या कहते हैं, मॉन्ट्रियल संधि। अब ये मॉन्ट्रियल संधि क्या कहलाती है, तो ये कुछ देशों के बीच एक संधि होती है जिन्होंने ये देखा कि ओजोन परत का जो है वो क्षय हो रहा है, उसमें होल होता जा रहा है, जिसके कारण अल्ट्रावायलेट किरणें जो है जो जो सूर्य से निकलती हैं वो डायरेक्ट पृथ्वी पे पहुंच रही हैं, और जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसके कारण जो कुछ देश हैं जैसे कि नॉर्वे, अमेरिका, स्वीडन और कनाडा जैसे देशों ने ये संधि की कि जिसमें हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC ऐसे पदार्थों का उपयोग कम करेंगे जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस किससे निकलती है, AC से निकलती है ना, फ्रिज से निकलती है, तो इन सब चीज़ों का जो उपयोग है वो कम करेंगे, तो ये संधि जो है इनके द्वारा की गई रही, ठीक है। अब ये संधि कब की गई रही, ये की गई रही ध्यान में रखिएगा 16 सितंबर सन 1987 को ये संधि की गई रही, और इसी मतलब इसी तारीख को ये जो है ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो समझ में आ गया क्यों मनाया जाता है। अच्छा सबसे पहले बात करें कि सबसे पहले ओजोन परत की क्षय होने की जानकारी यानी कि उसमें होल होने की जानकारी किसने दी थी, तो ये 1974 में दी थी शेरवुड, लिख देता हूँ शेरवुड, ध्यान में रखिएगा शेरवुड रॉलैंड और मैरिनी मोलिना, और ये जो है वो अमेरिकी मूल के रसायन शास्त्री हैं। इन्हीं लोगों ने जो है सबसे पहले ओजोन परत में क्षय होना बताया था, कब बताया था, 1974 में, ध्यान में रखिएगा, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। ऑप्शन देखिए डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन और कोयला। तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण जो है वो उत्पन्न करता है, जबकि डीजल, पेट्रोल और कोयला से जलने से हानिकारक गैसें निकलती हैं जो वातावरण को प्रदूषित करती हैं, और हाइड्रोजन जो है हल्का होने के कारण इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो गुब्बारों और वायुयानों में हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। फिलहाल तो इसके स्थान अब हीलियम ले रहा है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी। ऑप्शन देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मिथाइल आइसोसाइनाइड। दोस्तों सबसे ज़्यादा बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब देखिए ये कब हुई थी घटना, बात करें तो 2 दिसंबर की रात को, उस दिन 3 तारीख लग गई थी, तो 3 दिसंबर 1984 को ये घटना घटी थी जिसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता था। अब मिथाइल आइसोसाइनाइड को क्या बोलते हैं, तो इसको मिक गैस भी बोलते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र है CH3NCO, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। और कौन सी कंपनी थी जिसमें ये घटना घटी थी, उस कंपनी का नाम क्या था, तो उस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड, ध्यान में रखिएगा क्या था, यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम था। अब इस गैस के रिसने के कारण जो थे वो 15,000 लोगों की जान गई थी, कुछ लोग अंधेपन का शिकार हो गए थे, कुछ लोग अपंग हो गए थे, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए क्या हुआ था उस रात को, जो 40
टन जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड है वो एक टैंकर में भरी थी, और ये जो है वो पानी के साथ जो है वो घुल गई और रासायनिक अभिक्रिया करी, जिसमें जो टैंकर में दबाव बढ़ गया और दबाव बढ़ने से टैंकर जो है वो खुल गया, यानी कि टैंक खुल गया, जिसके कारण से गैस जो है वो रिसना शुरू हो गई। और ये टैंकर नंबर 610, ध्यान में रखिएगा, टैंक नंबर 610 जो है वही रिसा था जिसके कारण ये घटना हुई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे संबंधित जो फैक्ट है ये भी क्वेश्चन बनते हैं इनसे भी, तो इनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए, मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से और जल प्रदूषण से। अब देखिए ग्रीन मफलर होता क्या है पहले ये समझिए। तो ऐसी सिटी या ऐसी रहवासी क्षेत्र जहाँ पे ध्वनि का प्रदूषण जो है वो ज़्यादा मात्रा में होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया हो, या वहाँ पे ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जहाँ से ट्रक वगैरह गुजरते हैं हॉर्न देके और ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि 100 मीटर और 50 मीटर की दायरे में या क्यारियाँ बनाई जाती हैं, तीन तीन चार चार, और वहाँ पे पेड़ पौधों को लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि पेड़ पौधे जो है वो ध्वनि को सबसे ज़्यादा जो है वो अवशोषित करते हैं और ध्वनि का प्रदूषण कम करते हैं, तो इसी कारण से इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ग्रीन मफलर। तो समझ में आ गया आपको कि ग्रीन मफलर किससे संबंधित होगा, ध्वनि प्रदूषण से। किससे, क्यों? क्योंकि ये जो है पेड़ पौधे लगाकर हम ऐसे एरिया में जहाँ ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा है इसको कम करते हैं, किसको, ध्वनि के प्रदूषण को। तो आई बात समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, निम्न में से भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? ऑप्शन देखिए, हिमनदों में वृद्धि, CO2 में वृद्धि, CO2 में कमी और वनों में वृद्धि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, CO2 में वृद्धि, यानी कि भूमंडलीय तापन की प्रक्रिया, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ जाना, ठीक है। और धरती पर ये गैसें कैसे बढ़ती है, तो ये विनाशक गैस बढ़ने का मुख्य कारण क्या है, जीवाश्म ईंधन हो गए जैसे कोयला और तेल का अत्यधिक इस्तेमाल करना और जंगलों की कटाई करना। अब धरती पर पेड़ की संख्या जो है वो कम होते जा रही है, लोग जंगलों को काटते जा रहे हैं, जिस वजह से क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर जो है वो बढ़ता जाता है। अभी कितना होना चाहिए, 0.033% है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, अब क्या हो रहा है पेड़ों की कटाई की वजह से ये स्तर बढ़ रहा है, और इसके बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, पृथ्वी का भूमंडलीय तापमान जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और उसके बढ़ने से समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण बाढ़, तूफान और खाद्य पदार्थों में कमी, यानी कि खेती भी कम होती है, तमाम तरह की बीमारियां आदि का खतरा बन जाता है। तो ये सब जो कारण बनता है इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, और ये किसके कारण होती है, तो CO2 के वृद्धि के कारण होती है, इसलिए बोला जाता है अधिक से अधिक पेड़ लगाओ। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, गैसीय अपशिष्ट है, अब बताना है। ऑप्शन देखिए, सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलियानों से निकलने वाला कचरा और लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं, यानी कि उठने वाला धुआं। अब देखिए गैसीय अपशिष्ट पदार्थ की बात कर रहा है, तो यहाँ हमको पता चल रहा है कि जो सब्जी फलों का छिलका होगा, घरों की नालियों का गंदा पानी होगा, खेत खलियानों से निकलने वाला कचरा होगा, ये क्या कहलाएगा, ये ठोस अवशिष्ट पदार्थ कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन गैसीय अवस्था का जो अवशिष्ट पदार्थ है वो लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं ही होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के पूछा करता है, और ये क्वेश्चन आ रहा है यूपी टेट को, 2 फरवरी 2016 को ये क्वेश्चन पूछा गया रहा यूपी टेट में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी क्वेश्चन अभी तक हम कराए हैं और जो कर चुके हैं हम, वो सारे क्वेश्चन यूपी टेट, एमपी टेट, ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण का स्नेही माना जाता है? ऑप्शन देखिए, डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको CNG भी बोलते हैं, यानी कि कंप्रेक्ट नेचुरल गैस। अब ये कौन कौन सी गैसें होती, तो इसमें आती है आपकी मीथेन आती है, ईथेन आती है,
और प्रोपेन आती है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको समझ में आया, और क्यों इसको पर्यावरण का स्नेही माना जाता है, क्योंकि इसमें जब ये जलता है यानी कि इसका दहन होता है, तो इसके दहन से जो पर्यावरण प्रदूषण है वो बहुत कम होता है, यानी कि धुआं नाममात्र का निकलता है, इसलिए इसे पर्यावरण का स्नेही माना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? ऑप्शन देखिए SO2, H2S, HCl और N2। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, SO2, यानी कि इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ये मुख्य कारण होता है किसका, अम्लीय वर्षा का। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती कहाँ है, तो मोटर वाहनों के धुएं, इंडस्ट्रियल एरिया जो होता है वहाँ के धुओं। अब ये क्या करती है, ये ओस के साथ और वर्षा की बूंदों के साथ मिलकर एक अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करती है, ठीक है, जिसके कारण एसिड रेन होती है, उसी को अम्लीय वर्षा बोलते हैं। और वर्तमान समय में जो ताजमहल का कलर जो है वो वाइट संगमरमर से बना है, लेकिन वो अभी हल्का पीला इसी के कारण है, क्योंकि एसिड रेन के कारण उस पे क्या हुआ है, उसका क्षय हुआ है उस इमारत का। और इससे खेती में भी बहुत इफेक्ट पड़ता है और इमारतों की क्षति भी इसी के कारण होती है। तो ध्यान में रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड इसका मुख्य कारण होता है। और बात करते हैं कि अम्लीय वर्षा किसके किसके कारण होती है, तो SO2 और NO2 इन दोनों के कारण होती है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्षति पहुंचाता है वो कौन पहुंचाता है अम्लीय वर्षा में, सबसे ज़्यादा अम्लीयता का कारण क्या है, तो वो SO2 होगा, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी नदी के प्रदूषण के स्तर की माप निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन देखिए ATP, STP, BOD और WPL। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब BOD क्या है, तो इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल, ध्यान में रखिएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिमांड। तो इसके द्वारा ही किसी नदी की प्रदूषण की माप की जाती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीकों से दो तरह से रखती है, ठीक है, पहला तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है। तो बताइए रीना, सॉरी रानी नहीं है, रीना है, यहाँ रानी हो गया, यहाँ रीना हो गया, तो ये रानी कर लीजिएगा। तो बताइए रानी ने कूड़ा जो है वो किन आधार पर अलग किया? ऑप्शन देखिए ए दुर्गंध है और दुर्गंध रहित है, ऑप्शन बी अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले, ऑप्शन सी पुनः चक्रण किया जा सकता है और पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन डी घरेलू कचरा है और औद्योगिक कचरा है। दोस्तों औद्योगिक होगा, औद्योगिक कचरा है। तो यहाँ पे हमको देखने में ये समझ में आ रहा है कि जो केले का छिलका है, सब्जियों का छिलका है और सूखी पत्तियाँ हैं, ये तो गल जाएंगी यानी कि अपघटित हो जाएंगी, और जो जैम है, बोतल है सॉस की और प्लास्टिक के खिलौने वगैरह हैं, ये नहीं गलेंगे यानी कि अपघटित नहीं होंगे। तो जो रानी है इसने दो तरीके से इनको जो है अलग अलग तरीकों से रखा है, पहला एक अपघटित हो जाएगा और दूसरा अपघटित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन देखिए नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, विश्व के तापमान में वृद्धि और अम्लीय वर्षा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नगरीकरण। अब देखिए जल संकट का नगरीकरण से क्या संबंध है, तो भाई पेड़ों की कटाई तो हो रही है, नगर बसाए जा रहे हैं, स्मार्ट सिटी बसाई जा रही है, इसलिए भाई जब पेड़ों की कटाई होगी तो वर्षा नहीं होगी, यानी कि जल संकट उत्पन्न हो जाएगा, तो नगरीकरण इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, और जो भी दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं पर्यावरण के नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।